हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन गुरुनीति के एपिसोड 29 में बात करेंगे बेटा वेक्टर की। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि दी वेक्टर दिस आर कोप्लेनर। आपको थ्री वेक्टर गिवन है, दिस पार्ट, ये ऑल थ्री वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। तो आपको दिस पार्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी थ्री वेक्टर क्या हो कोप्लेनर, तो उनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो कोफिशिएंट क्या होंगे, x11 1y 1 and 1 1 z, ये जीरो पढ़ना है। अब देखो जो अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें कह रहा 1/(1 - x), मतलब आपको ये चीज क्रिएट करनी है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करोगे तो फिर तो एक सिंपल x y z में क्या आएगा रिलेशन। तो अपन एक काम करते हैं, x-1 y-1 z-1 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हो। आप रिप्लेस कर दोगे, जैसे लेट ऑफ c1 इज रिप्लेस बाय c1-c2 एंड c2 इज रिप्लेस बाय c2-c3, ये रिप्लेसमेंट लगा सकते हो। या फिर r1-r2 कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, ये c1 है, ये c2 है, c3 है, मतलब दिस माइनस दिस, तो ये आ गया बेटा x-1, ये 0 होगा, e1। ऐसे ही ये आ गया 1-y, ये आ गया बेटा y-1, ये एज इट इज, और ये क्या होगा 0। ये आ गया 1-z और ये होगा अगेन z इक्वल टू 0। तो ये अपने x-1 y-1 और z-1 को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। इसके बाद क्या करो, आप r1 रो से x-1 कॉमन लो, r2 रो से y-1 और r3 रो से z-1। तो ये कॉमन लेने पे आ गया सर x-1 y-1 z-1 1 1 0 1 upon x-1। इधर तो जीरो लगाना ही है अपन को। सिमिलरली इसमें से कॉमन लोगे तो क्या आ गया -1, इधर 1 होगा, इधर 1 upon y-1 और थर्ड की बात करोगे आप तो ये 0 है, z-1 कॉमन लोगे तो -1 और ये होगा z upon z-1। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना है आपको, इसमें ये बोला गया कि x, y, z are not equal, मतलब x=1 y=1 z=1 को कंसीडर नहीं करना है इक्वल। तो इसको तो हटा दो, सीधा जीरो में शिफ्ट कर दो। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, इसको 1 के अलोंग और इसके अलोंग ओपन करना है, क्योंकि सेकंड भी 0 तो 0 हो जाएगा। तो 1 के अलोंग 1 * दिस माइनस दिस * दिस, तो 1 * दिस करने पे तो आ गया z upon z-1 और फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 upon y-1 प्लस 0 होगा और प्लस 1 upon x-1 इसके अलोंग 1 into 1 1 और ये 0 1 आ गया, 1 ही आ जाएगा। तो इसके बाद देखो जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे क्या आ गया, 1 upon x-1 प्लस 1 upon y-1 इसमें आता और प्लस आ रहा है z upon z-1 इक्वल टू 0। बट आपको इसको 1 लेके आना है, तो एक काम करो इसमें -1 ऐड कर दो और सबट्रैक्ट, दोनों तरफ ऐड कर दो। तो जब -1 ऐड और सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया, 1 upon x-1 प्लस 1 upon y-1 और इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, प्लस 1 upon z-1 = -। तो देखो क्या करना है, इसके बाद अपन को जो ऑप्शन लाना है वो क्या, अपन से वैल्यू पूछी गई है 1 upon 1-x, 1-y, 1-z। तो सिंपल क्या करना है, इसको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देन इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, फाइंड आउट प्लस 1। ठीक है ना, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद सर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सेकंड की। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, तो आर वेक्टर इज एनी वेक्टर इन द स्पेस, देन इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी तीन वेक्टर्स क्या है नॉन कोप्लेनर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक जो आर वेक्टर है उसको अपन को लेट करना है। तो क्या लेट कर सकते हैं, आर वेक्टर ने मान लिया एक्स ले लेते हैं, चलो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर, ये लेट कर लिया मैंने। अच्छा अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, बॉक्स है ना, ये क्या है बॉक्स है, यानी कि एसटीपी है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बी
क्रॉस सी डॉट आर वेक्टर, और इनके साथ क्या है फिर ए वेक्टर है साथ में इसके ना बाहर, तो इसको पहले ए को समझ लो अच्छे से ठीक है। तो क्या करने वाला हूं मैं, बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट करना है आर के साथ। तो देखो ध्यान से देख लो एक बार, आर जो वेक्टर है उसमें क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी वेक्टर आ रहा है ना, तो उसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। तो बी क्रॉस सी का जब बी के साथ और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए। तो मैं इसको लिख रहा हूं बड़े प्यार से आराम से, क्या लिख सकते हैं देखो, इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी, ये मैं सीधे लिख दूं, चलो बी क्रॉस सी डॉट क्या बचेगा, सिर्फ ए वेक्टर वाला पार्ट, और साथ में उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, एक्स। एक्स को मैं अपना आगे लिखे और साथ में इसके क्या चल रहा है, ए वेक्टर मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो सेम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखो x तो क्या है अपना स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे लिख दिया बॉक्स ऑफ ए, ये बन गया bca, और bca को अपन साइक्लिक ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं, abc का बॉक्स, और इनटू क्या चल रहा है इसके, a वेक्टर। अब सिमिलरली पता है क्या होगा, जब आप सेकंड वाले को करोगे ना इसको, तो इसमें c और a आ रहे हैं, तो वो c0 हो जाएगा और a वाला 0 हो जाएगा, उसमें क्या बचेगा, y और b मिलेगा, y बॉक्स ऑफ abc, abc इनटू b वेक्टर इनटू, और लास्ट में जाएगा ऐसे, हां z इनटू ABC का बॉक्स इनटू C वेक्टर। यस सर। अब अपन को क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, और तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, इनका एडिशन मिल जाएगा इन तीनों का, है ना, लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड क्या मिल जाएगा सम, तीनों में से बॉक्स ABC कॉमन ले लो, तीनों में से बॉक्स ABC कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, X वेक्टर प्लस YB वेक्टर, YB वेक्टर प्लस ZC वेक्टर, ये मिल गया अपने को। और ये देखो ध्यान से, X A वेक्टर, YB वेक्टर, ZC वेक्टर क्या था, वो भी अपने माना था, क्या माना था, R वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर। तो ये इक्वल आ गया बॉक्स ऑफ ABC इनटू R वेक्टर, ठीक है। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि जो अपने R वेक्टर लेट किया है, हाँ, तो आपको जिस पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो आप इसमें सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू कर लो फाइंड आउट, हाँ, सेम ही टेस्ट कर लिया, बिल्कुल पुट कर दो, क्योंकि इससे एक्स की वैल्यू क्या मिली अपन को, बी सी आर का बॉक्स ए अपॉन ABC, तो वो सेम आप फिर मिल जाएगा, ठीक है, लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन थर्ड है कि अल्फा वेक्टर के बने आपको बीटा वेक्टर के बने और गामा वेक्टर बोला गया है ए यूनिट वेक्टर, देन दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ दिस पार्ट। अभी एक फॉर्मूला है, पहले उसको याद करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, कि जब भी क्या दे रखा हो, एक बॉक्स के अंदर गिवन हो, एक क्रॉस बी, दो चीजें हैं, ये फटाफट देख लो एक बार, अगर ये प्लस में हो ए प्लस बी, अगले में है बी प्लस सी का वेक्टर, और अगले में है सी वेक्टर ए वेक्टर का बॉक्स, फिर तो इसकी वैल्यू क्या थी सर, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी का बॉक्स, और अगर ये क्रॉस के अंदर गिवन है तो देन इसकी वैल्यू आती है बॉक्स ऑफ एबीसी का इस पर। तो जब आप इसकी बात करोगे तो यह जाएगा बेटा अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर गामा वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको दिस पार्ट की बतानी है मैक्सिमम वैल्यू, तो काम करो, देखो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर आपको गिवन है, तो बॉक्स ऑफ एबीसी को लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर डॉट गामा वेक्टर का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर की तो बात छोड़ो, जैसे लेट इसको आप ए वेक्टर लेट कर दो और इसको क्या लेट कर दो बी वेक्टर, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू हमेशा क्या होगी, मोड ए मोड बी, या फिर ऐसे समझो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कह सकते हो मोड ए मोड बी कोस अल्फा, और सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वन और वन से लेस, तो इसका मीनिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मोड ए इनटू मोड, ये यूज कर सकते हैं कि ए डॉट बी ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मोड ए इनटू मोड, हां ना, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, a dot b अरे ये फॉर्मूला लिखो a dot b equal to mod a mod b cos alpha, और आप लिख सकते हो ना कि cos alpha less than equal to 1, दोनों का mod a mod b से मल्टीप्लाई कर दो, तो mod a mod b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन गया a dot b, और a dot b less than equal to आ गया mod a mod b, तो ये आइडेंटिटी जिसको याद करना है कि a dot b is less than equal to mod a mod b। अब खुद सोचो ना a dot b करोगे a वेक्टर b वेक्टर में अगर कुछ माइनस में आएगा तो वैल्यू कम होगी, लेकिन दोनों का सेपरेट मोड लोगे तो वैल्यू ग्रेटर होगी, या इक्वल हो सकती है अगर दोनों वेक्टर आपके सेम है, सेम है, इक्वल है, तो सिंपल सी बात है इसको अपन लिख सकते हैं दिस इज a दिस इज b, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अल्फा वेक्टर डॉट बीटा अल्फा क्रॉस बीटा डॉट गामा वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू दिस इज a दिस इज b, तो क्या आ गए अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड
मोड गामा, गामा का वन, तो गामा तो आपका वन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि दिस पार्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे लेस होगी, अल्फा क्रॉस बीटा के मोड की स्क्वायर से। तो ये आ गया अल्फा क्रॉस बीटा के मोड का स्क्वायर। भाई सबसे पहले ये स्टेप लिखो, अब इसके बाद ये लिखनी है, और फिर आपको थोड़ा सोचना है कि a डॉट b की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, a डॉट b लेस देन इक्वल टू मोड m होगी, और a की वैल्यू पुट करने में क्या आ गया कि दिस पार्ट लेस देन इक्वल टू अल्फा क्रॉस बीटा के मोड का स्क्वायर और मोड गामा स्क्वायर, तो मोड गामा स्क्वायर तो 1। अब आप कुछ नहीं करना, सिंपल अल्फा क्रॉस बीटा करो फाइंड आउट, उसका मोड लेके क्या कर देना स्क्वायर, तो देन आपका आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हां देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, लेट a वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड c वेक्टर इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ b वेक्टर सैटिस्फाइंग दिस। तो अपने को क्या कहना है कि b वेक्टर अपने को नहीं पता यहां पर है ना, b वेक्टर नहीं पता है, तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, b वेक्टर को लेट कर लेते हैं अपन, है ना, xi प्लस yj प्लस zk। अब देखो ध्यान देखो, सबसे पहले जो आसान काम है वो क्या है, a डॉट b क्या दे रखा है देखो 3, तो a डॉट b 3 दे रखा है, तो a क्या है अपना ये है, तो a डॉट b मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, तो a डॉट b a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा y 0 y माइनस z, तो ये आ जाएगा y माइनस z इक्वल टू कितना है ये 3, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से देखो तो क्या दे रखा है, a क्रॉस b प्लस c। अब ये थोड़ा सा समझ लो, a क्रॉस b में क्या हो जाएगा, a क्रॉस b का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ i j k और a, a अपना 0 माइनस 0 1 माइनस 1 और यहां पर है x y z, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, i के साथ आएगा z plus y, तो ये हो गया y plus z into i। नेक्स्ट j के साथ आएगा 0 plus x, तो वो हो जाएगा माइनस का x, तो माइनस x into j। k के साथ क्या आ जाएगा, 0 माइनस x, तो ये माइनस का x into k आ गया बस। अच्छा अब इसके साथ क्या है अपना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपने ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो यहां पे प्लस c करना है, तो है ना ये कुछ नहीं है, तो प्लस c कर देते हैं हम डायरेक्ट, तो c क्या है अपना, c अपना 1 माइनस 1 माइनस 1 ऐड कर लो, तो 1 माइनस 1 मैं ऐड करता जा रहा हूं ना, और कॉमन ले लिया मैंने माइनस साइन, और यहां पर भी माइनस 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये किसके इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है, तो ये क्या हो गया जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअली इनके जो कोएफिशिएंट्स वो क्या रहेंगे, इक्वेट कर लो आप जीरो वेक्टर के, तो क्या आ जाएगा यहां से y + z + 1 = 0 कॉमा x + 1 = 0 और यहां से भी क्या मिलेगा x + 1 = 0, तो x की वैल्यू तो आ गई -1, तो x की वैल्यू -1 आ गई और y + z कितना आ रहा है -1 ये भी, तो आप ध्यान से देखो वो क्या रहा है कि x की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब मेरे को वेक्टर मिल गया अपना क्या v वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो वो अपन देखें तो वो आ रहा है अपना फोर्थ ऑप्शन में, तो अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन अपन और भी चेक कर लेते हैं आगे, क्या चेक कर लेते हैं, एक ऐसा ऑप्शन जिसमें क्या है y प्लस जेड की वैल्यू -1 हो, तो आप देखो तो y प्लस जेड -1 चेक करें अपन, तो y प्लस जेड -1 हाँ इसमें है भाई ना, बाकी में क्या है x का ऑप्शन -1 आ ही नहीं रहा है ना, तो अपन क्या करें इसको, तो ये ऑप्शन नंबर अपना क्या सही हो जाएगा फोर्थ। अब इसको करने का एक और ऑप्शन है, इससे बचने का तरीका है, करना तो ऐसे ही पड़ेगा उसमें, ये जो रिलेशन गिवन है ना सर, बिल्कुल सर, इसको क्या करो आप देखो, a डॉट b आपके पास 3 है, तो उससे रिलेशन आ गया y z में, a क्रॉस b माइनस, फिर एक काम करो इसको आप बेटा देखो a के साथ डॉट करोगे, तो a के साथ डॉट करने पे तो क्या बन जाएगा, ये a डॉट a क्रॉस b 0, तो a डॉट c 0 आ गया, तो देखो a डॉट c तो वैसे 0 है, पता चल रहा है बिल्कुल, आप क्या करो इसको b के साथ डॉट कर दो, तो b के साथ डॉट करने पे ये तो 0 बन गया, तो ये आ गया b वेक्टर डॉट c वेक्टर 0, तो सीधा b और c का जब डॉट करोगे तो क्या आ गया x माइनस y माइनस जेड इक्वल टू जीरो, और शायद अपन ने कुछ किया था, हाँ एक रिलेशन आ गया था वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, तो देन आप इन दोनों को क्या करोगे ऐड करोगे, तो आ गया एक्स माइनस जेड इक्वल टू 3, बट जो सर ने बोला है वो काम तो अभी भी करना पड़ेगा कि आपको इन रिलेशन को यूज ही करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप एक क्रॉस से बढ़ सकते हो, बाकी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप सीधा देख लो कि एक्स और जेड का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से भी अपन ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या बोला गया, ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर वेक्टर, इसलिए बोला गया कि जो क्वेश्चन है उसमें जो बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है उसके अकाउंट में आ रहा है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को नॉन जीरो जीरो नहीं, इसलिए लिखा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ए वेक्टर डॉट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सी एंड डी आर सच दैट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी,
और AD आपका 0 है तो आपको देन D वेक्टर फाइनाइट कर्नल, देखो क्या करो आप इसको लेफ्ट में कर दो ट्रांसफर। तो जब आप इसको लेफ्ट में क्या करोगे ट्रांसफर, तो क्या आएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस V वेक्टर क्रॉस D वेक्टर 0। इन दोनों में जब आप B वेक्टर कॉमन लोगे तो क्या आएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस D वेक्टर। देखो आप उसको करो दोबारा क्रॉस आगे से बिल्कुल, और ये सिंपल सी बात है, दो वेक्टर का क्रॉस अगर जीरो है इसका मीनिंग बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर जो पैरेलल होंगे उसी केस में उसका क्रॉस क्या हो सकता है जीरो। तो पता चल गया कि बी वेक्टर आर पैरेलल टू दी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। और बेटा अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लेंथ टाइम्स अपन लिख सकते हैं बिल्कुल सर। तो सिंपल आ गया C वेक्टर माइनस D वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अरे सिंपल सी बात है कि अगर पता हो A वेक्टर पैरेलल टू D B वेक्टर देन लेंथ का डिफरेंस A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, केवल उनकी लेंथ का डिफरेंस अलग होगा उसको मैनेज को। ये लिखने के बाद अब सिंपल सी बात है आपको क्या फाइंड आउट करना है D, तो D को उधर शिफ्ट कर दो तो सिंपल आ गया D वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। अब आपको ओनली लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है A डॉट D 0, तो इसका A के साथ कर लो डॉट डॉट प्रोडक्ट, तो A के साथ डॉट लोगे तो जीरो आ गया, ये आ गया बेटा A डॉट C माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ A डॉट B इक्वल टू जीरो। तो देन इससे लैम्डा क्या होगा सर A डॉट C अपॉन A डॉट B। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या होगा C वेक्टर माइनस A डॉट C अपॉन A डॉट B इनटू B वेक्टर। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो जो इसमें क्या करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम सच दैट ए बी वेक्टर इक्वल टू क्यू एडी एडी पी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को उसके हिसाब से अपन ए बी बी सी डी सी डी। यस सर, है ना। अब अपने को कह रहा है ए बी वेक्टर जो है वो क्यू वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर तो हो गया क्यू वेक्टर, और एडी जो है वो एक पी वेक्टर, ये पी वेक्टर, और कह रहा है आगे ये BAD एंगल आपका एक्विटेंडल एक्विटी लिया है अपन ने। तो उसके बाद कह रहा है इफ r इज द इफ r वेक्टर इज द वेक्टर दैट कोइंसाइड विद द एल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स b टू द साइड ab। अच्छा, b से मैंने क्या कर दिया इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया, तो ये जो है ये है अपना r वेक्टर। क्वेश्चन में बोला गया कि जो एल्टीट्यूड है वो r वेक्टर, इसको अपन लेते हैं m। हां, तो bm वेक्टर जो है वो है अपना r वेक्टर। यस सर, अब आगे कह रहा है देन अच्छा r वेक्टर की अपने को वैल्यू निकालनी है। चलो तो देखो करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूं इसको आपने को r वेक्टर निकालना है, तो आप देखो ट्रायंगल बन रहा है ए बी एम, तो ए बी एम ट्रायंगल में मैं एक ये लिख सकता हूं क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, अब ए बी वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर। हां, तो ऐसे लिख लो आराम से लिख लेते ए बी वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर इक्वल्स टू ए एम वेक्टर। ए एम वेक्टर और मेरे को चाहिए अपना क्या r वेक्टर, तो मैं r वेक्टर को अकेला कर देता हूं बी एम को, तो r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए एम माइनस ए एम वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर दैट इज क्यू वेक्टर। यस सर, तो अब इसमें मेरे पास जो अननोन है वो क्या है सिर्फ और सिर्फ ए एम वेक्टर। अब ध्यान से देखो ए एम वेक्टर को अपन क्या कहेंगे, कोई 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 भी वेक्टर होता है तो उसको अपन क्या लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, तो ए एम वेक्टर क्या हो जाएगा ए एम का मैग्नीट्यूड इनटू ए एम का कैप माइनस क्यू वेक्टर, और ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अपना प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ए डी, तो वो कितना हो जाएगा क्यू डॉट किसके ऊपर पी के ऊपर अपॉन में क्या उसका मैग्नीट्यूड जिसके ऊपर अपन प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, तो इस मोड पी और इनटू क्या हो जाएगा एएम। अब एएम के कैप कौन है पता है एएम, एएम की डायरेक्शन कौन देगा पी वेक्टर, तो पी वेक्टर का कैप यानी कि पी कैप, तो इसको अपन प्यार से क्या लिख सकते हैं क्यू डॉट पी वेक्टर अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड, और इसको मैं लिख सकता हूं पी वेक्टर अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड माइनस, तो नीचे माइनस में क्या चल रहा है अपना साथ में प्यार से एकदम क्यू वेक्टर चल जाएगा। अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या है अपना देखो ये आ गया माइनस क्यू, तो यही ऑफ ए माइनस क्यू का हो गया माइनस प्लस, ठीक है ना माइनस क्यू प्लस पी डॉट क्यू अपॉन क्यू डॉट पी डॉट क्यू है ना, एक ही बात है ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा जी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7 क्वेश्चन क्या बोला गया है ए वेक्टर गिवन है आपको बी वेक्टर गिवन है सी वेक्टर ए वेक्टर सच दैट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड आपका 3 है और दिस पार्ट का मोड आपको अगेन 3 गिवन है और एंगल बिटवीन C एंड A क्रॉस B 30, मतलब आपको C वेक्टर एंगल A क्रॉस B गिवन है कितना 30। तो काम करो सबसे पहले इसी का कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो दिस इज लाइक A वेक्टर दिस इज लाइक B वेक्टर, तो A क्रॉस B का मीनिंग मोड A मोड B sin थीटा sin थीटा, तो मोड A का मीनिंग तो क्या आ गया
ए क्रॉस बी का मोड इनटू मोड सी और एंगल बिटवीन देम 30, तो साइन 30 क्या होगा 1/2 इक्वल टू आ गया 3, तो ये तो 6 हो गया और आपको ए क्रॉस बी का मोड, सिंपल सी बात सुनो, आपको ए पता है बी पता है तो आप ए क्रॉस बी को जब फाइंड आउट करोगे बेटा लिख लेते हैं एक बार, ए क्रॉस बी क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 2 1 माइनस 2 और 1 1 0 0 तो इससे अपन क्रॉस करेंगे तो देखो क्या गया आई कैप के अलोंग करोगे तो 0 माइनस 2 2 तो 2 आई कैप आ गया, फिर लिखोगे माइनस के जे कैप माइनस 2 जे तो प्लस के 2 तो माइनस के 2 जे के बिल्कुल सही सर बिल्कुल सर और 2 माइनस प्लस के के कैप 2 ये आ गया प्लस के कैप प्लस का के कैप ठीक है ये ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी का जब आप मोड लोगे डिटरमिनेंट लोगे तो इसका मोड क्या होगा 3 हो गया ना रूट ऑफ ए सभी स्क्वायर तो ए क्रॉस बी का मोड 3 पुट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट तो बेटा इससे एक रिलेशन आ गया मोड सी वेक्टर आपका 2 होगा बस इसका यूज तो हो गया इतना। मोड सी आने के बाद उसने पूछा बताओ ए डॉट सी क्या होगा, तो काम करो ना ए सी माइनस ए का मोड आपको 3 तो इसका क्या कर दो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल टू 9 तो ये फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर तो क्या लिखोगे मोड सी स्क्वायर प्लस मोड ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी इक्वल टू आ गया बेटा 9 आपके पास मोड ए पता है मोड सी पता है तो मोड सी तो 2 है तो 4 आ गया प्लस मोड ए कितना है इसमें देखो 3 अगेन 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 2 ए डॉट सी इक्वल टू 9 है 9 से 9 कैंसिल तो ए डॉट सी आ जाएगा इससे 2 तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है अपने को लेट a b एंड c बी द यूनिट वेक्टर्स ऑफ दैट a plus b plus c अच्छा ठीक है इनका वेक्टर सम क्या है अपने पास 0 लैम्डा की वैल्यू अपने को दे रखी है a डॉट b plus b डॉट c ठीक है तो कुल मिला के अपने को क्या है d ये दे रखा है अच्छा लैम्डा और d का फाइंड करना है कर लेते हैं। सबसे पहले तो लैम्डा तो बहुत ही आसान है कैसे जब भी अपने को पता है कि a plus b plus c 0 दे रखा है अपने को और लैम्डा इक्वल टू है अपना लिख लेते हैं चलो इसको लैम्डा इक्वल टू ये तो एक बात देखो a plus b plus c 0 है तो आपको पता होगा जैसे मैं इसका क्या कर दूं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा a square plus b square plus c square का मैग्नीट्यूड plus plus dot 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई यहां से 0 आ रही है तो अब देखो सारी सारी क्या यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 plus 1 plus 1 कितना हो गया 3 plus तो minus 3 2 lambda equal to 0 this is lambda lambda सर ने क्या किया इसके मोड के स्क्वायर को ओपन किया सीधा ठीक है ना जी सर तो इससे लैम्डा तो आ गया सर माइनस माइनस 3 बाय 2 इसको तो रिमूव कर दो। अब हम बात करते हैं किसकी डी की तो लैम्डा तो जाएगा माइनस की 3 बाय 2 इसको साइड में लिख लेते हैं उसके बाद अगला करो सर। अब हम करते हैं डी को फाइंड तो डी के लिए अपने पास है ये वैल्यू अब इसको अपने सिंपली क्या करना तो देखो देखो ध्यान से अपने पास डी क्या लाना है डी वेक्टर चाहिए ना हां डी अपने पास ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए तो डी फाइंड करना है ना तो सबसे पहले अपन क्या करें डी वेक्टर ठीक है तो देखो एक बात और मेरे को देखो ए क्रॉस बी लाना है तो इसको ए के साथ क्रॉस कर दो बी के साथ क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे तो अपन को देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि ऑप्शन में ए क्रॉस बी की फॉर्म में भी आंसर है बी क्रॉस सी वो साइन उसको उल्टा करके साइन चेंज कर लेंगे तो है ना तो अपना क्या है अपने पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 0 वेक्टर तो अपन ने क्या किया पहले ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसका तो देखो क्या होगा ए क्रॉस ए तो क्या हो जाएगा 0 क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ अपने पास ए क्रॉस बी है ना ये पहले क्या है मैंने ए से क्रॉस ठीक है तो क्या हो गया 0 बचा क्या ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाएगा। दूसरा मैंने कर दिया बी से क्रॉस प्रोडक्ट तो बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 और बचेगा क्या बी क्रॉस सी यहां तक आ गया। अब मैं क्या करूं छोटा सा इसमें से मैंने माइनस कर दिया ना इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको 2 मान लेते हैं तो 1 माइनस 2 कर लो आप माइनस का सीधे ऐड ही कर दो ना नहीं माइनस ये क्या माइनस की ए क्रॉस बी है भाई ये ए क्रॉस बी है माइनस की ए क्रॉस बी तो सीधा ऐड करने पे कैंसिल आउट हो गए इन इसको माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ना तो ऐड करने पे सीधा आ गया ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा बिल्कुल। अब अपन को ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या लाना है अपना
तो इसमें जब बात करो तो देखो अपन को बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो देखो एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी की फॉर्मेट में आंसर लाने की ट्राई करते हैं पहले। तो ए क्रॉस बी की फॉर्मेट में आंसर लाने, तो एक सिंपल काम यही करो ना कि सीधा ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर दो माइनस ए क्रॉस सी। आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी के बाद बी क्रॉस सी की वैल्यू पुट करनी है। भाई जो अपना डी वेक्टर क्या इक्वल लेते हैं, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो आप आंसर को पहले ए क्रॉस बी की टर्म में लाओ, बाकी बाद में क्या कर देते कन्वर्ट। तो सर बी क्रॉस सी की वैल्यू कैसे माइनस ले आओ, ए क्रॉस बी आगे दोबारा, तो क्या आ गया प्लस ए क्रॉस बी। सिमिलरली आपको सी क्रॉस ए चाहिए तो ये भी ए क्रॉस बी आ गया, सिंपल हो गया फिर। तो क्या गए थ्री टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो डी आ गया सीधा थ्री टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। सही है सर, बिल्कुल। और लैम्डा कितना आया था, माइनस की थ्री बाई टू। देखो कोई ऑप्शन है क्या सर, हाँ तो उसका सेकंड ऑप्शन रहेगा लैम्डा तो माइनस थ्री बाई टू है और डी वेक्टर आ गया थ्री इंटू ए क्रॉस बी। इसके लिए तो उसको आगे ले सकते, कोई दिक्कत बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। इसको क्वेश्चन नाइन में क्या करना है, एजेज ऑफ ए पैरेलल पाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब एक पैरेलल पाइप्ड है आपका, उसकी जो एजेज है कोर है वो सारी क्या है यूनिट लेंथ है, सबकी लेंथ आपकी 1 1 1 है। पैरेलल टू नॉन कोपलर यूनिट वेक्टर ए कैप बी कैप सी कैप सच दैट ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप सी कैप इक्वल टू सी कैप ए कैप, आपको 1/2 गिवन है। देन वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इन क्यूब यूनिट, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक पैरेलल पाइप गिवन है अपन को ऐसे, ये एक पैरेलल पाइप है, ये लेट आपका ए के बोला गया क्वेश्चन में, एक को बी के बोला गया और एक को सी के, इसके अलोंग आपके तीन को टर्मिनस एज एज है, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है। तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी सी या ए के बी के सी के, तो आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए के बी के और सी के सी के, ये तीनों यूनिट वेक्टर ध्यान रखना, मतलब मोड़े वॉल्यूम और सी अपन को बन ले सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद अब देखो आपको इसकी वैल्यू करनी कैलकुलेट, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला है जिसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है फिर तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल, अभी क्वेश्चन में आपको ए बी बी सी और सी ए का डॉट गिवन है 1/2 और सारी यूनिट लेंथ के, मतलब मोड़े मोड़ी मोड़ सी आपको 1 गिवन है, तो उस केस में क्या करोगे, ये फॉर्मूला जिसको आप याद करें कि बॉक्स ऑफ एबीसी का जो स्क्वायर है बेटा उसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए ए डॉट बी बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के जो मोड बॉक्स का स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होगी, ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी। कुछ नहीं करना, एक बार ए बी सी को ए के साथ डॉट कर दो फिर बी के साथ डॉट करो, तो बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी और अगला आ जाएगा सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी। और अब आपको सोचो ए डॉट ए तो आपका वन है, ए डॉट बी ए डॉट सी 1/2 1/2 गिवन है क्वेश्चन में, सिमिलरली बी डॉट ए आपका अगेन 1/2 ये 1 ये 1/2 और दिस इज 1/2 1/2 एंड 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या जाएगा 1 × 1 − 1/4 = 3/4 माइनस हाफ ये हटाओ तो 1/2 − 1/4 = 1/4 और अगला आ गया प्लस 1/2 × 1/4 − −1/4 − 1/4 तो ये आ गया 3/4 गुणा भाग है बस माइनस, देखो ये माइनस के 1/8 है ये भी माइनस के 1/8 है तो ये आ गया 1/4 तो इसे हाँ 1/2 मतलब इस बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर आ गया 1/2 देन बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू क्या होगी 1/√2 तो बस ये इसका क्या होगा वॉल्यूम, तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है आपसे। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन एज फॉलोइंग। एबी वेक्टर है और एडी, ठीक है। द साइड एडी इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ अल्फा, देन एडी बिकम्स एडी डैश। इफ एडी डैश मेक्स राइट एंगल विद द एबी, अच्छा उसको उतना घुमाया अल्फा एंगल की वो एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो देखो cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो पहली बात तो ये कि पैरेललोग्राम दे रहा है अपने को ABCD, और इसमें ये कह रहा है आपसे कि AB जो वेक्टर है वो गिवन है अपने को, हाँ। और AD वेक्टर जो है वो भी गिवन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि AD को ना क्या किया, रोटेट कर दिया किससे, अल्फा एंगल से, और ऐसे रोटेट किया कि जो पॉइंट है इसको D' मान लिया, और ये जो रोटेशन है ये अल्फा है, तो ये एंगल कंप्लीट क्या बन जाता है 90 डिग्री। तो देखो ये तो एक्यूट एंगल है, कोई भी बीटा मान लेते हैं इसको अपन, क्योंकि एंगल 90 बन गया ना, तो बी कह रहा हो, बीटा कह रहा होगा एक्यूट रहा होगा। तो AB वेक्टर चलो लिख लेते हैं इसको, 2i प्लस 10j प्लस 11k और ये अपना माइनस वन टू टू, तो माइनस वन टू टू आई जे के उसके साथ है ना। तो अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें आपको एक बात दिख रही है क्या कि मेरे को कॉस अल्फा निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या ना, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री लिख सकते हैं आराम से। अब अपने को चाहिए अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस बीटा। अब मेरे को कॉस अल्फा चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ कॉस ले लिया, तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया साइन बीटा, समझ गए। 90 माइनस बीटा में क्या हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन, अब साइन बीटा आ गया। अब मैं कैसे भी करके मेरे को क्या साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करूं मैं छोटा सा, कि मेरे को पता है कोई दो वेक्टर के बीच एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है अपना, कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एबी वेक्टर डॉट एडी, एडी वेक्टर अपॉन दोनों का, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है लेकिन 64/81 तो आंसर क्या गया √17/9 यस हां तो cos अल्फा आ जाएगा √17/9 सेक्शन नंबर सेकंड से होगा इसका है ना। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, ए यूनिट वेक्टर को प्लेनर विद दिस एंड दिस वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर। मतलब आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर, लेट उसको वेक्टर लेट कर दो r वेक्टर। आपको एक r वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर जो इन दोनों वेक्टरों के कोप्लेनर है। तो सुनो इधर ब्लैक बोर्ड पे, जैसे लेट इसको लेट कर दो बेटा a वेक्टर और इसको लेट कर देते b वेक्टर। तो क्वेश्चन ने क्या बोला गया है कि r वेक्टर इज कोप्लेनर विद a और b। तो एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के क्या हो कोप्लेनर, जैसे लेट ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है और ये आपका लेट c है, ये ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो बॉक्स जीरो कर दो, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, आर वेक्टर लेट करो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, बिल्कुल। तो उससे तीनों का बॉक्स जीरो करोगे तो आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन मिल जाएगी। एक्स वाई जेड में रिलेशन आने के बाद फिर आर वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई जेड में सेकंड रिलेशन आ गया, और एक आर वेक्टर का मोड आपका वन है तो एक रिलेशन उससे आ गया। तीनों को सॉल्व करो उससे आंसर आएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि जब भी थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब इससे बेनिफिट होगा कि ओनली एक्स और वाई को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, अपन पहले ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या जाएगा, या फिर एक काम करते हैं सिंपल, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट दिस इज सी वेक्टर, लेट दिस इज सी वेक्टर, तो आर वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसका सी के साथ डॉट कर दो आप। तो जब सी के साथ डॉट करोगे तो क्या आ गया, आर डॉट सी इक्वल टू एक्स a dot c, बिल्कुल, प्लस y of b dot c। तो देखो इजी हो गया, ये तो जीरो आ गया, हाँ इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। x a का c के साथ dot, तो इसका dot करोगे तो क्या गया 1 1 4 1 1 2 आ चार आ गया 1 1 2 हो जाएगा चार, प्लस b का c के साथ dot 1 2 1, तो ये भी अगेन 4 आ गया, बिल्कुल। मतलब 4 तो चला गया जीरो में, ये आ गया x plus y equal to 0, तो इतना सिंपल रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आने के बाद अब एक काम करते हैं अपन, इसमें सबसे पहले बेटा कुछ नहीं, सीधा वाई को पुट कर देते हैं माइनस के एक्स वेक्टर, तो वाई को माइनस, सॉरी वाई को पुट करोगे माइनस एक्स, तो एक्स तो आ गया कॉमन,
और ब्रैकेट में आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर देन आर वेक्टर होगा एक्स वेक्टर, सॉरी एक्स इनटू ए माइनस बी, तो इसमें से इसको जो माइनस लोगे तो आई कैप कैंसिल, जे माइनस टू जे माइनस का जे माइनस के जे कैप प्लस का के प्लस के के कैप, बिल्कुल। अब आपको x की वैल्यू करनी है फाइंड आउट, तो दोनों तरफ क्या ले लो उसका मोड, तो मैग्नीट्यूड क्यों लेना है क्योंकि मोड r आपको बन के बने, तो x का मोड तो मोड x आ गया, इसका मोड रूट टू आ गया, मोड r आपका 1 है 1 बाई रूट टू, मोड x आपका 1 बाई रूट टू, तो देन x इक्वल टू आ गया सर प्लस माइनस के 1 बाई रूट टू। ध्यान रखें मोड लेते टाइम मोड लगाना मस्त नहीं, तो एक आंसर आपका रिमूव हो जाएगा सर। तो जब 1 बाई रूट टू पुट करोगे तो क्या गया माइनस जे के प्लस के के बाई रूट टू, और माइनस के वन बाई रूट टू पुट करो तो उल्टा हो जाएगा जे के माइनस के बाई रूट टू, तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, लेट ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है अपने को, सी वेक्टर दे रखा है, बी थ्री वेक्टर्स, अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हुज प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड रूट टू बाई थ्री। तो पहली बात तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या निकल गया, ये कि एक कोई वेक्टर है वो किसके प्लेन में, बी और सी के, और उसका पोजीशन ए पर कितना है, ए वेक्टर रूट टू बाई थ्री, रूट टू बाई थ्री है ना। सबसे पहले तो एक वेक्टर लेट कर दो आप आर वेक्टर, बिल्कुल हाँ, या तो अभी अपन जैसे अभी किया था वैसे कर सकते, नहीं तो अपन नॉर्मली लेते हैं, इसी भी करो नॉर्मल से जल्दी हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सॉरी आर वेक्टर, अब ये सारे क्या है एक प्लेन में, तो अपन क्या करते हैं इसका आर बी सी, आरबीसी हाँ आरबीसी आपके एक प्लेन में है, बिल्कुल। तो ये मैं सीधे से एसटीपी जीरो कर देते हैं अपन, आर बी और सी इनका एसटीपी क्या होगा जीरो, क्यों, क्योंकि क्या है जीरो एक ही प्लेन में है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बी एन सी वन टू माइनस वन 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 माइनस टू, ये जीरो करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये आ जाएगा एक्स माइनस फोर प्लस वन, तो माइनस का थ्री एक्स आ गया, यस सर, और ये हो जाएगा y के साथ माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का y हो गया, तो प्लस हो गया ना फॉर्मूले में, प्लस हो जाएगा हाँ, ठीक है ना, माइनस 2 y के लिए माइनस प्लस में जाएगा हाँ, और z आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का z, और z आ गया माइनस के, यस इक्वल टू 0, एक रिलेशन तो आ गया अपने पास इसको माइनस 3x 3x माइनस y प्लस z प्लस z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है सर, अब अपने को क्या कह रहा है whose position on A is of magnitude मतलब r वेक्टर का a वेक्टर position position बोला गया है, तो r dot a upon में a पर projection है, तो a का magnitude equal to root 2 by 3, अब r dot a करना है तो a के साथ dot product क्या हो जाएगा r का, x 2x minus y plus z, 2x minus y plus z अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड देखो तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, 2 2 जब 4 रूट 6 आ रहा है, सॉरी तो रूट 6 लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल ये 2 बचेगा अपना क्योंकि रूट 6 रूट 6 कैंसिल आउट हो रहा है, और 2 2 जब ये आ गया 2x - y + z = 2, तो देखो ढंग से ये दोनों सेम है ना, तो सीधा इसको क्या कर दो ऐड, ऐड कर, ऐड करने पे बेटा या सबट्रैक्ट कर ले, सबट्रैक्ट कर ले, सबट्रैक्ट कर दो जैसे भी आप, x की वैल्यू आ गई -2 हां, x की वैल्यू आ गई -2, तो ये देखो वेक्टर आ रहा है अपना माइनस टू आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो और एक्स को माइनस टू इसमें पुट कर दोगे तो ये आ गया माइनस सिक्स, तो देन वाई माइनस जेड इक्वल टू आ गया माइनस के सिक्स, सही है भाई, बिल्कुल। इसमें से इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स तो आ गया माइनस के टू, और एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट किया तो माइनस सिक्स, सिक्स आपका उधर चला गया, तो वाई प्लस जेड इक्वल माइनस सिक्स वाई। अब देखो पोजिशन क्या करा था, पोजिशन जब भी अपन लेते हैं हाँ, तो दोनों साइन लेने पड़ेंगे अपने को, प्लस में भी और ये लगाना मस्ट है, ये हां ध्यान रखना है मुझे, तो यहां पे क्या होगा कर देना कि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस पे मोड लगाना अपन को, तो रूट 2 बाई 3 2x - y + z का जो मोड है वो आपका 2 होगा, एक बार टेकिंग प्लस लोगे एक बार टेकिंग, अरे सीधा हो गया ना, y इक्वल्स टू माइनस z की वैल्यू क्या पुट कर दो उसमें 3x, तो ये सीधा mod x equal to 2 आ जाएगा, तो x आ जाएगा plus minus के plus minus 2, x plus minus के 2 आ गया, तो x तो आपका fix हो गया plus minus 2 है, तो एक तो चारों option नजर आ रहे हैं अपने को है ना x equal to plus minus 2 में, तो अपन देख लेते हैं ऐसा option जिसमें क्या है y क्या रहता है, सिंपल सी बात ये है कि x को तो क्या कर देना plus minus 2, उसके बाद देखो इधर आओ कितना आ गया, ये आ गया y minus z equal to plus minus 6, एक बार जब देखो x को plus 2 लोगे ना तो ये आ गया y minus z equal to 6, 6 मतलब x तो आ गया 2, तो क्या बन गया क्वेश्चन 2i cap plus yj cap plus z of k cap,
ठीक है, अब आपको वाई जेड का पेयर देखना क्या हो सकता है, तो वाई जेड के लिए ये रिलेशन आप लोगों को यूज करना पड़ेगा कि वाई माइनस जेड का जो डिफरेंस है वो 6 आना चाहिए। तो देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ये वाई और जेड है जिनका डिफरेंस 6 आ गया, तो एक आंसर तो हो सकता है 2i के साथ, बिल्कुल 2i के साथ इसकी बात करोगे तो उनका डिफरेंस 0 आ गया, गलत हो गया, गलत हो गया, और इसमें करोगे 1 माइनस 5 तो माइनस हो गया, ये भी गलत हो गया, तो एक तो ऐसे करना है, एक ही बचा अपने पास ये। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सैटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, मतलब ABC नॉन जीरो वेक्टर है, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज होल्ड गुड। तो देखो क्या करना है अपन को, एक तो बॉक्स ऑफ ABC मोड A स्क्वायर लाना है, बॉक्स ऑफ ABC मोड C स्क्वायर, मोड B इक्वल टू मोड C और ABC आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनली। तो देखो सिंपल मेथड इसमें ये है, जैसे लेट सेकंड ऑप्शन लाना है तो इसका बेटा C के साथ डॉट ले लो, तो C के साथ डॉट लोगे तो क्या गया आपको बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू मोड C स्क्वायर, देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड का ए के साथ डॉट ले लो आप, तो ये भी आ गया बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू मोड ए स्क्वायर, तो एक तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और जब आप दोनों का बॉक्स इक्वल करोगे तो क्या गया मोड ए स्क्वायर इक्वल टू मोड सी स्क्वायर, देन इससे जाएगा बेटा मोड ए इक्वल टू मोड सी, बट अपने ऑप्शन में गिवन है मोड बी इक्वल टू मोड सी थी तो गलत होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब ABC को देखना है कि ये परपेंडिकुलर होंगे या नहीं, तो देखो इसका ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है इसका, ये जो रिलेशन है आपका A क्रॉस B डॉट C 0, A क्रॉस B इक्वल टू C, तो इसका क्या करो A के साथ डॉट लो आप, जब आप A के साथ डॉट लोगे तो A डॉट A क्रॉस B तो 0 आ गया, तो सीधा आ गया बेटा A डॉट C इक्वल टू 0, A डॉट C आपका 0 है, और इसका आप अगेन लो, सॉरी एक बार तो आपने क्या लिया इसका A के साथ डॉट, अब मैं बोलता हूं इसका दोबारा B के साथ डॉट लो, इसका B के साथ डॉट क्योंकि तो दोबारा 0, तो इससे आ गया B डॉट C 0, सिमिलरली सेकंड में भी क्या करो दिस एंड दिस, इसमें आप अगेन B के साथ डॉट लो, तो B के साथ डॉट लोगे तो A डॉट B 0 आ गया, और A डॉट B 0 आने के बाद C के साथ डॉट लोगे तो A डॉट C आपका क्या आ गया 0, तो इससे तीन चीज पता चल चुकी है, A डॉट B B डॉट C, A वेक्टर आपका B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, B vector, C vector के और AC के, मतलब all three are perpendicular each other, तो mutually क्या होंगे एक दूसरे के साथ perpendicular होंगे, तो इसलिए ये पूछा गया कि ABC are orthogonal in pairwise, AB के साथ है, BC के साथ है और C A के साथ है, तो then इसका first, second और third option बेटा। उसके बाद देखो next question, question number 14, हाँ सर देखो question number 14 में देखो क्या कह रहा है, if vector the vectors which are coplanar with the vectors i plus j plus 2k और i plus 2j plus k, अब इनके साथ एक वेक्टर जो कोप्लेनर है वो क्या परपेंडिकुलर है किसके टू द वेक्टर दिस, तो एक काम करें अपन एक वेक्टर लेट कर लेते हैं xi plus yj plus zk, उस वेक्टर को लेट करने के बाद उसका एसटीपी क्या हो जाएगा 0, एसटीपी बोले तो बॉक्स क्या हो जाएगा उसका 0, तो उसका बॉक्स में ले लेता हूं, ये आ जाएगा xyz 1 1 2 1 2 1, अब इनका ठीक है इक्वल टू ये क्या है 0 0, तो एक काम करते हैं अपन छोटा सा एक काम करते हैं थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, देखो x 1 minus 4 यानी कितना हो गया माइनस का 3x, y को लो 1 minus 1 तो माइनस का प्लस हो जाएगा y, यस सर, और ये हो जाएगा 2 minus 1 z z इक्वल टू 0, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई है हमारी, अब x इक्वल टू आ गया बिल्कुल y plus z, 3x इक्वल टू लो तो y plus z, cx equal to y plus z आ गया, फिर बोला गया कि r वेक्टर आपका ये जो थर्ड वेक्टर है कहां चला गया वो थर्ड इसके साथ क्या है परपेंडिकुलर है, r वेक्टर के इसके साथ डॉट करोगे तो क्या आ गया x plus y plus z equal to 0 और y plus z equal to minus x, y plus z को minus x तो x 0 आ गया, तो x के लिए आ गया x 0 0 लेने पे सिंपल आ गया सर y plus z equal to 0 हो गए गुणावार, ठीक है तो देखो इसमें तो केवल कोफिशिएंट आपको 1 1 है तो दो आंसर हो सकते हैं 1, -1 and -1, 1 तो इसके अकॉर्डिंग j माइनस के या माइनस जे प्लस माइनस फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15
देखो इसमें क्या करना है, आपको अल्फा तो गिवन है 0 से 2 पाई, ए वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल विद जेड एक्सिस, मतलब ए वेक्टर का जेड एक्सिस को क्या लेट कर सकते हैं, के कैप, तो ए वेक्टर और के कैप की बिटवीन एंगल है ऑब्ट्यूस, इसका मतलब दोनों का डॉट क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, ए वेक्टर डॉट के कैप को कर देते सबसे पहले जीरो, तो बेटा ए वेक्टर का जब के कैप के साथ डॉट डॉट क्या गया, साइन 2 अल्फा इज लेस देन 0, चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, एक बार लिख के छोड़ देते हैं, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है 0 से 2 पाई, इसको साइड में लिख लो बेटा, अब इसके बाद देखो क्या करना अपन को, उसके बाद क्या बोला गया, द वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर ऑर्थोगोनली, मतलब बी और सी दोनों परपेंडिकुलर हैं, डॉट डॉट सी जीरो कर देते हैं, तो जब आप बी का सी के साथ डॉट जीरो करोगे तो देखो क्या आ गया, साइन अल्फा सॉरी आई का आई के साथ, तो टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर माइनस के टेन अल्फा माइनस सिक्स, देखो रूट साइन अल्फा बाई टू से रूट माइनस सिक्स इक्वल टू कैंसिल, तो माइनस के सिक्स इक्वल टू जीरो, और अब आप देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, टेन अल्फा माइनस थ्री और टेन अल्फा प्लस टू, थ्री माइनस इससे दो आ गया, टेन अल्फा थ्री होगा और माइनस टू माइनस टू होगा, ये करने के बाद इसमें एक छोटा सा काम और करना, वैसे यही पता चल रहा है मेरे को, अल्फा जीरो से टू पाई है तो अल्फा बाई टू होगा जीरो से पाई, और अल्फा बाई टू जीरो से पाई, इसका मीनिंग फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, आप लिख सकते हो चाहो तो कि अल्फा बाई टू बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, तो अल्फा बाई टू अगर सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोसेक अल्फा बाई टू और साइन अल्फा बाई टू बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव रूट आपका ऑलवेज क्या होगा, डिफाइन, तो रूट की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन को पूछा गया कि बताओ देन अल्फा इज, कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, पर देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में बोला गया कि साइन 2 अल्फा नेगेटिव है, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू नेगेटिव का होगी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्वेश्चन में अल्फा 0 से 2 पाई है बेटा, तो 2 अल्फा का इंटरवल क्या होगा, 0 से 4 पाई, तो बेटा 0 से 4 पाई का मीनिंग ये 2 पाई और 4 पाई दो कंप्लीट, तो 0 से पाई और 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई मतलब ये जो पोर्शन है आपके, इन दोनों पोर्शन में साइन 2 अल्फा नेगेटिव होगा, मतलब 2 पाई से 2 अल्फा बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई यूनियन 3 पाई से 4 पाई, 3 पाई से ये लिखना चाहिए अपन को बिल्कुल, और बाद में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, अल्फा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, मतलब जब अल्फा का इंटरवल दिस पार्ट लोगे तो देन साइन 2 अल्फा इज नेगेटिव, अब अपन को टेन अल्फा आ गया तो अल्फा की वैल्यू जीत, एक बात बताओ कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो ये तो हो गया गलत, तो केवल आ गया टेन अल्फा इक्वल टू माइनस टू, माइनस तो टेन अल्फा इक्वल टू माइनस टू आने के बाद देखो अपन को अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो उसको डायग्राम से समझे आप एक काम करो माइनस को भूल जाओ, टेन अल्फा की वैल्यू 2 कहां होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं कि ले दी आपका टेन 2 अल्फा है, ये टेन अल्फा इक्वल टू आपका 2 है, ठीक है, टेन अल्फा 2 है मतलब ये एंगल लेट मैंने अल्फा क्या लेट किया अल्फा, ये इसको एक काम करो समझने के लिए अल्फा लिख देते कि लेट एंगल अल्फा है, टेन अल्फा 2 है तो अल्फा क्या आ गया टेन इनवर्स 2, अब आपको ये बताओ टेन की वैल्यू नेगेटिव कहां होगी, एक तो इधर होगी और एक इधर होगी, आपका इंटरवल कौन सा है, एक तो दिस लेना है और एक दिस पार्ट लेना है, तो यार ये आपको एंगल चाहिए x के साथ, तो ये कितना होगा पाई माइनस अल्फा, तो एक एंगल तो आ गया सर पाई माइनस अल्फा, एक लेना है दिस पार्ट, तो यहां तक कितना हो टोटल 2 पाई, 2 पाई माइनस अल्फा कर दो माइनस, तो ये अल्फा है तो ये तो आ गया पाई माइनस अल्फा और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, तो एक आ गया बेटा 2 पाई माइनस, क्योंकि आंसर अपन को पाई बाई 2 से पाई और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बिटवीन फाइंड आउट करना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या 10 इनवर्स 2, तो एक आंसर तो आएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 2 और सेकंड आंसर होगा 2 पाई माइनस 10 इनवर्स 2, देन इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, पाई माइनस 10 इनवर्स 2 तो आ गया सेकंड ऑप्शन और 2 पाई माइनस 10 इनवर्स 2 आ गया फोर्थ ऑप्शन, तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट सही होगा, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, 16 की ओके सर, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कह रहा है आपसे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद एजेस i plus j plus k, i plus
ठीक है, तीनों को एजेस दे रखी है और कह रहा है कि 6 क्यूब यूनिट, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि अपने को ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/6 टाइम ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी ये गिवन है आपको 6 के इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये अपने को गिवन भी है, कितना गिवन है 6, तो बॉक्स एबीसी आ गया 36, बिल्कुल। तो बॉक्स एबीसी आ जाएगा यहां से 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तीनों एजेस अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है, 1 1 1 1 ए 1 1 2 -1, हां। तो इसका जो मेन टुडे वो कितना है 36, अच्छा तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दोगे आप तो जाएगा प्लस माइनस 36, ये वॉल्यूम आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एरिया हो गया, मोड लगाओगे तो क्या क्या प्लस माइनस 36, तो इनको हमेशा मोड के साथ सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लो आप, ऐसा करते हैं इसको माइनस कर दो इसमें से, है ना, एक बार प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये 1 माइनस है, ये 0, बस काफी इतना 1 2 माइनस 1, इसको भी कर सकते हैं आप, है ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जल्दी हो जाएगा ऐसे भी। तो 1 माइनस है इनटू कितना आ गया, ये माइनस होता तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस 2 इनटू 1 माइनस है, माइनस है और ये क्या आ गया माइनस 2 और इक्वल टू में सर आपका ये प्लस माइनस 36, तो सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करो तो क्या आ गया a माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 18, बिल्कुल। तो जब टेकिंग प्लस लोगे तो a 19 आ गया और टेकिंग माइनस लोगे तो माइनस के 17, तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना, देखो इफ वॉल्यूम ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन का मीनिंग क्या है कि उसकी एजेज की लेंथ सेम होगी इक्वल और एंगल भी सबका क्या होगा 60 60 60, दो एजेज के बिटवीन जो एंगल है वो क्या होगा 60 डिग्री होगा, एज लेंथ कैलकुलेट करनी कोई बात नहीं, तो उस रेगुलर टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बोला गया बी से, एंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ अपोजिट एजेज, जो अपोजिट एजेज है उनके बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है HD, वो आपको बोली गई है d, तो देन d क्यूब अपॉन b की वैल्यू को आपको क्या करना फाइंड आउट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा समझो, अपन एक रफली रेगुलर टेट्राहेड्रन ड्रॉ कर देते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब ये CH4 की स्ट्रक्चर की तरह हो जाएगा, ये क्या होगी CH4 की स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट वो उसका स्पेस के अंदर लेट करो आप, ये लेट ए, ये पॉइंट बी है, सी है, तो टेट्राहेड्रन बन गया OABC। अब आप क्या करो, इस पॉइंट ओ से 3 वेक्टर लेट करो ए वेक्टर को टर्मिनस एजेस से, तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि रेगुलर है आपका, तो मोड ए इक्वल टू मोड बी इक्वल टू मोड सी आपको गिवन है इक्वल, और ये इक्विवेलेंट है। उसके बाद जब ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है आपका, मतलब सारी जो फेसेज है इसमें टोटल 4 फेजेज है, तो सारी फेसेज में क्या होगा, ये जो एंगल है जब ये सारी लेंथ इक्वल है ना, तो सारे एंगल क्या होंगे 60 60, तो आप ये देखो जो ये ऊपर वाला फेसेज है ओ के साथ फेस ओ ए बी, तो इसमें ये एंगल 60 आ गया, इसका मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल है, और जो फेस होगा आपका ओ बी सी, इसमें ये एंगल 60 है, तो बी और सी के बीच में एंगल 60 है, और जो पीछे वाला फेस है आपका ओ ए सी, तो इसमें ए और सी के बीच में एंगल क्या होगा 60, मतलब अपन को पता चल गया ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर एंगल सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंगल ए वेक्टर आपका पाई बाय 3 है, बस इससे ये इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। अब आपको पहले तो क्वेश्चन में बोला गया कि जो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन वो क्या होगा 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, इसको तो इतना लिख के छोड़ देते हैं, तो ये तो आ गया टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, जी सर। अब क्या बोला गया कि जो इसकी एनी टू अपोजिट फेसेज है एजेस, सॉरी, तो देखो इसमें काम ये थोड़ा स्पेस में होगा ना, तो जैसे लाइट अपोजिट फेस कौन सी लाइट करोगे, एक OA लोगे तो उसकी अपोजिट कौन होगी BC, तो OA इसको एक वेक्टर लेट कर लेते हैं अपन, भाई OA क्या होगी एक लाइन होगी ना, सिमिलरली BC भी आपकी एक लाइन क्या है, तो इन दोनों लाइनों के बिटवीन आपको क्या गिवन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d बोला गया है। तो देखो सबसे पहले एक काम करो, आप OA लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तो एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ए वेक्टर का मीनिंग जिस पॉइंट से वो पास होगी, तो अपन मान लेते हैं कि लेट ए जीरो वेक्टर, इसको पॉइंट को लेट कर दो जीरो वेक्टर, तो ये तो आ गया सर सी वेक्टर, ये होगा आपका ए वेक्टर और ये लेट आ गया आपका बी वेक्टर, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप क्या लेट करो कि जो ओए लाइन है वो जीरो वेक्टर से पास होती है और वो ए वेक्टर की पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन तो कह जाएगी जीरो प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये आपका ओए वेक्टर या ओए लाइन की इक्वेशन होगी, बिल्कुल वेक्टर। 3D में सिंपल BC लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, अगेन r वेक्टर इक्वल टू
लेट वो आपकी वी वेक्टर पॉइंट से पास होती है और बी सी के पैरेलल है, तो सी माइनस बी बी माइनस सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख देते हैं, बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस सी। ये मैंने दो लाइन लेट की वेक्टर फॉर्म में, और अगर वेक्टर फॉर्म में आपको टू लाइन गिवन है तो बेटा ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है एसटी। ये फॉर्मूला आप याद करोगे क्या होगा, वो जैसे लेट ये ए वन वेक्टर है, ये ए टू वेक्टर है, तो ए टू माइनस ए वन, चलो लिख देते हैं एक बार, ए टू माइनस ए वन डॉट अपॉन मोड ऑफ बी बी वन क्रॉस बी टू। ये फॉर्मूला याद करें आप, ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसका मीनिंग क्या है, A1 A2 तो का मीनिंग क्या है कि जो लाइन एरर लेती है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, B1 और B2 क्या उनके पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसके पैरेलल वेक्टर ए वेक्टर है, इसके पैरेलल वेक्टर आपका B-C, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो क्या आ गया, SB इक्वल टू आ जाएगा बेटा A2-A1, तो ये तो कितना आ गया B वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2। तो देखो A वेक्टर का जब आप B-C के साथ क्रॉस करोगे A वेक्टर का, तो क्या आ गया A क्रॉस B माइनस ए क्रॉस सी, सीधा लिख देते हैं ए क्रॉस बी माइनस माइनस सी, और अपॉन में क्या आ गया बी वन क्रॉस बी टू का, मतलब दिस पार्ट का मोड आ गया, बी वन क्रॉस बी टू, तो जिसका मोड है वो तो क्या आ गया ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, उल्टा कर दो तो सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब आप बी के साथ डॉट करोगे B dot A cross B, तो box A B B 0, तो सीधा आ जाएगा box of A B C, क्योंकि order अलग है तो box of A B C आ जाएगा, मतलब इसमें जो shorted distance है वो क्या होगी, box of A B C A B C upon this part is again, अभी तो काफी lengthy question है, अब इसमें असली मुद्दा ये है कि आपको A cross B plus C cross A की value को calculate करना है, तो अब एक काम करते हैं, इसमें से इस diagram को हटा देते हैं, ये सारी चीज आप याद करना, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं मेरे को, इसका काम हो चुका है, इसको अपन रिमूव कर देते हैं। अब देखो क्या करना है, इसकी वैल्यू अपन सेपरेट करते हैं कैलकुलेट, तो एक काम करो उसको ऐसे लिखो A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A का मोड, डिटरमिनेंट है ना, तो इस पे लगा दो आप इस पर, तो ये लेट A वेक्टर है, ये लेट आपका B वेक्टर है, तो a प्लस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर क्या होगा, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, तो ये आ गया ab a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर प्लस c क्रॉस a के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a। इतना आने के बाद अब सीधा डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसका मीनिंग होगा a क्रॉस b का मीनिंग मोड a मोड b sin थीटा, a और b के बीच में एंगल है sin सॉरी 60, तो मोड a मोड b तो वन हो गया ना, तो यूनिट वेक्टर बोला गया, सॉरी लेंथ की बोली गई है, तो मोड a आपका k और मोड b आपका k, तो ये क्या आ गया k स्क्वायर sin 60 root 3/2 का स्क्वायर 3/4। सिमिलरली सेम अगला होगा, बिल्कुल ये भी क्या आ गया 3k² / 4। अब असली जो पार्ट है वो यही है कि इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा एक बार, तो एक काम करो इसको अलग से लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे समझना, ये जो a क्रॉस b है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अपन अल्फा वेक्टर लेट कर लेते हैं, तो क्या गया अल्फा वेक्टर डॉट c क्रॉस a, अपन को ये पता है कि अपन डॉट और क्रॉस की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज आ जाएगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो देन अल्फा वेक्टर का मीनिंग क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी की बात करोगे तो देखो क्या, फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट, ए डॉट सी इनटू बी माइनस बी डॉट सी इनटू ए, और बाद में करना ए के साथ डॉट। अब देखो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ए डॉट सी क्या होगा मोड ए, सॉरी ये ए के साथ डॉट कर देना माइंड में, तो देखो ये आ गया ए डॉट सी इनटू बी डॉट ए, तो मोड ए मोड सी कॉस 60 मतलब के स्क्वायर बाय 2 आ गया, और बी डॉट ए का मीनिंग मोड बी मोड ए कॉस 60, तो के स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया सर के स्क्वायर बाय 4 माइनस
बी डॉट सी का मीनिंग मोड बी मोड सी साइन कोस 60, तो के स्क्वायर बाई 2 आ गया, और मोड ए का स्क्वायर के स्क्वायर 2 आ गया, के स्क्वायर बाई 2, तो के स्क्वायर बाई 4 माइनस के, सॉरी ये के की पावर 4 था। मोड ए डॉट सी का मीनिंग मोड ए मोड सी कोस 60, तो के स्क्वायर बाई 2, बी डॉट ए अगेन के स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज के 4 बाई 4, और माइनस मोड ए डॉट ए तो के स्क्वायर होगा, और ये के स्क्वायर बाई 2 तो के स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो देन इसको सिंपलीफाई करने पे क्या जाएगा, माइनस के स्क्वायर बाई के 4 बाई इफ के 4 बाई, अब सुनो मेरी बात, ये इस पे मोड है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो अपॉन में सॉरी 4 है, ये आने के बाद ये किसकी वैल्यू है, दिस पार्ट के मोड के स्क्वायर की, तो जब आप इसका ये मोड लगा देना इस पे, तो इसका रूट लोगे तो क्या जाएगा के स्क्वायर बाई 2, मतलब जो ये आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है के स्क्वायर बाई 2, सबसे लेंथी क्वेश्चन है, तो ये वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है k स्क्वायर बाई 2, ये बहुत मेन स्टेप है कि इसको सिंपलीफाई करना है, इसमें ये देखो डबल प्रोडक्ट का भी यूज हो चुका है। इसके बाद आप एक काम करते हैं, इसको दोबारा हटा देते हैं इसमें से, हाँ सर बस एक मिनट और लगेगी इसमें, अब ये आने के बाद देखो अपने काम करते हैं, अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो ST आ गया, उसके बाद अपन को वैल्यू चाहिए DQ upon VB की, तो D का मीनिंग क्या सॉर्टेड डिस्टेंस, तो चलो अपन एक काम करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो DQ करने पे क्या जाएगा, बॉक्स ऑफ A B C का ST B का होल क्यूब अपॉन V K स्क्वायर बाय 2 मतलब K की पावर 6 अपॉन 8, और अपॉन में वॉल्यूम क्या होगा 1/6 बॉक्स ऑफ ABC, तो ये लिखने के बाद देखो एक बॉक्स ऑफ एबीसी तो कैंसिल आउट हो गया, 6 आपका चला गया न्यूमेरेटर में, तो आ गया 3/4 सही है ना, सॉरी सारा 48 पर आएगा, 48 आ गया, 48 सॉरी क्या गया 48 48 एबीसी का क्यूब बॉक्स ऑफ एबीसी एबीसी का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन के की पावर 6। अब देखो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, बॉक्स ऑफ एबीसी का जब स्क्वायर लोगे आप, देखो उसमें तो क्या था, उसमें तो सबका मॉड बनता भाई, इसमें क्या आएगा ए डॉट बी, तो मॉड ए मॉड बी कॉस 60, तो मॉड ए मॉड बी का मीनिंग क्या होगा के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर तो आपका फर्स्ट आर1 में कौन होगा, एक सेकंड में एक थर्ड में, तो क्या आएगा सर के की पावर 6 आ जाएगा, और ब्रैकेट में वही आ गया आपका 1 1/2, 1/2, 1/2, 1 एंड 1/2, और दिस इज अगेन 1/2, 1/2 और 1, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, अब आप चलो इसको खुद देख लेना, ये सोल्व करके इससे बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो देन इसका आंसर आएगा 3 आंसर, ठीक है, तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है। चलो अपन इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है आपसे, इफ द वेक्टर्स p वेक्टर दे रखा है अपने को, q वेक्टर दे रखा है और r वेक्टर दे रखा है, yes, और आपसे कह रहा है इसमें कि ये कैसे हैं कोप्लेनर हैं, तो अपने को पता है कि अच्छा आगे क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है ना, मतलब ये वैल्यू क्या है 0, इक्वेशन दे रखी है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो आपको पता है कि जब भी अपने तीन वेक्टर्स क्या हैं कोप्लेनर हैं, इसका मतलब उसका बॉक्स यानी कि STP क्या होता है ऑलवेज 0, तो मैं सीधे कर देता हूं बॉक्स ऑफ PQR, PQR ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लिखो PQR, तो क्या आ जाएगा 1 a + 1 a a a a + 1 a a a a + 1, बहुत ही यूनिफॉर्म है ना, सिमेट्रिक है पूरा डिटरमिनेंट, तो हम क्या कर दिया दो ऑपरेशन कर लेते हैं ना, c1 को चेंज करते हैं c1 - c2, यस सर, और c3 को चेंज कर लेते हैं c3 - c2, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा बहुत ही सिंपलीफाई होकर आ जाएगा अभी, तो देखो यहां पे क्या बचेगा 1 - 1 0, और यहां पे बचेगा 0 - 1 1, और बीच वाला एज इट इज, हाँ किसी में भी लगा सकते हो, बिल्कुल, तो यहाँ से आ गया अपना 1 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस 1 प्लस a, तो ये हो गया 2a प्लस 1 है ना, ये कुछ भी नहीं है सीधा ऊपर, तो ये आ गया आपका 2a प्लस 1, यस सर, और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, तो ये बचेगा a, इक्वल टू है 0, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई बच्चों मेरे पास माइनस का 1/3, यस सर 1/3 a की वैल्यू आ गई, तो अब अपन एक बार काम करते हैं, a की वैल्यू मिल गई अपने को है ना, यानी कि अपने को p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर मिल गए, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले मैं p डॉट q कर लूं और फिर r डॉट q, तो देखो p डॉट q करेंगे तो क्या आएगा a + 1 * a a + 1 + a²
तो a into a plus 1 कितना आ गया, दो बार आ गया, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस कर दो बिल्कुल नेक्स्ट क्या है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसमें a की वैल्यू रख देना तो यहां से क्या होगा इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी -1/3 ये आ गया p dot q यस सर और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 1/9 ऐसे ही जब इसको सॉल्व करोगे और इसके मोड का क्या करोगे स्क्वायर ये कितना जाएगा सर 1/r/q कर लेंगे हाँ, इसका क्रॉस करके उसके मोड का क्या करना है हाँ स्क्वायर कर देना आपको तो बस इसको बस लिख लेना ये तो हो गया आईजे के सीधी वैल्यू पुट कर दो हाँ ए तो है -1/3 ठीक है माइनस ये -1/3 और ये हो गया सर 2/3 माइनस हाँ प्लस 2/3 ऐसे ही अगर क्यू वेक्टर की बात करोगे तो -1/3 प्लस 2/3 प्लस के 2/3 एंड और माइनस का 1/3 माइनस के 1/3 अब इसमें से अपन माइनस इसको सिंपलीफाई करोगे और जब वैल्यू चेक करोगे तो बेटा ये तो हो जाएगा 1/9 और ये भी क्या बन जाएगा 1/9 तो देन लैम्डा की वैल्यू क्या जाती है सर इससे 1 आ जाएगी बन जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना ये क्वेश्चन 1920 में आया हुआ है अपना जेई मेंस जेई मेंस का क्वेश्चन है ये ना लास्ट ईयर ही आया था उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखो 19 क्या है एबीसी 3 वेक्टर सच दैट 3 वेक्टर है मोड ए गिवन है आपको मोड बी गिवन है बी डॉट सी गिवन है ठीक है तो देखो एंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 5/3 तो देखो बी और सी के बिटवीन एंगल गिवन है और मोड भी आपको गिवन है तो अपन मोड सी को फाइंड आउट कर सकते हैं एक तो हेल्प ये होगी इसे तो चलो एक काम कर लेते हैं मोड बी मोड सी cos 60 cos 5/3 60 इक्वल टू 10 cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी 1/2 20 आ गया 20 upon 5 4 आ गया सीधा मोड सी इक्वल टू आ गया सर 4 मोड सी वेक्टर आ गया अब आगे क्या बोला गया ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मतलब जो ए वेक्टर है आपका वो किसके परपेंडिकुलर है बेटा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी क्रॉस सी के बिटवीन जो एंगल गिवन है वो आपको कितना गिवन है 90 डिग्री तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी की मोड की वैल्यू बतानी है तो एक काम करो इसको अगर ए वेक्टर रिलेट कर दो उसको बी वेक्टर तो ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा तो क्या जाएगा मोड ए बी क्रॉस सी साइन 90 इज 1 तो ये तो बना गया अब आपको मोड ए की वैल्यू तो गिवन है √3 बी क्रॉस सी का मोड क्या होगा मोड बी सी साइन तो मोड बी इज 5 मोड सी इज 4 इनटू साइन अल्फा लेट बी और सी के बिटवीन एंगल है बेटा अल्फा साइन अल्फा अल्फा लेट किया तो साइन अल्फा आ गया अब आपको चाहिए साइन अल्फा की वैल्यू तो एक काम करो आपको बी डॉट सी 10 गिवन है तो आप ये लेट हां सॉरी बी डॉट सी आपको सिंपल दे रखा है ना कि बी और सी के बिटवीन जो एंगल है वो आपका पाई बाय 3 है तो सीधा पाई बाय 3 पुट करने पे क्या जाएगा √3/2 सिंपल हो गया तो ये लोग तो जब इसको √3/2 पुट करोगे तो √3 और इनटू 3 2 और 2 तो ये आंसर आ जाएगा आपका 60 हां तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है सर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्वेश्चन 20 क्या है देखो क्वेश्चन नेम में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 20 में If A vector, B vector, C vector are unit vectors, यानी कि तीनों का magnitude कितना दे रखा है अपने को 1 और क्या कह रहा है कि इसका जो square का sum है magnitude का है ना वो कितना है अपने पास 9 then the value of this तो सबसे पहले तो ये बताओ जब मैं इसके magnitude का square करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को ये मिलेगा A square plus B square मतलब magnitude का square ठीक है ना प्लस माइनस 2 यहां से आएगा A dot B यहां से आएगा B dot C और यहां से आएगा C dot A तो मैं इसको सीधे लिखता हूं 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a ये आ गया और देखो यहाँ पे a square plus b square आएगा यहाँ b square plus c square फिर c square plus a square तो कुल मिलाके क्या होगा इसको मैं एक साथ लिख दूँ यहाँ पर आएगा mod b square twice of mod a का square plus mod b का square plus mod c का square and h it is given that and a b c are unit vectors तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 1 1 तो 1 plus 1 plus 1 3 हो गया 3 2 6 तो ये हो गया कुल मिलाके 6 minus twice of a dot b plus b dot c plus c dot a और इसकी वैल्यू अब इक्वल टू क्या है 9 तो 6 minus 9 यानी कि 3 minus 3/2 आ गया a dot b plus b dot c plus c dot a आ गया सर 9 minus के 3/2 c dot a ये आ गया minus के 3/2 और जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि जब भी आपको a dot b b dot c और c dot a की वैल्यू फाइंड करनी हो या इसका यूज करना हो तो अपने पास बहुत ही बेहतरीन है ना क्या a वेक्टर plus b वेक्टर plus c वेक्टर का क्या करो आप स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या मिलता है अपने को मोड ए स्क्वायर है ना मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो बी का और सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 3 आ गया तो बिल्कुल तो सीधे लिख देते हैं इसको अपन 3 1 1 1 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 ऑफ -3 a डॉट b b डॉट c डॉट a
और ये कितना अपने पास आया माइनस का डी बाई टू, तो बस कुछ नहीं करना अपने को, सिंपलीफाई कर लेना है, थ्री प्लस जीरो आ गया है ना, ये क्या आ गया, मतलब जीरो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की मोड का स्क्वायर जीरो है, यानी एक वेक्टर की मोड का स्क्वायर जीरो को हो सकता है जब वो यूनिट जब वो जीरो वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ गया आपका, जीरो वेक्टर आ गया, और तो इसका मतलब क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया कि एबीसी रिलेशन क्या होगा, तीनों का सम जीरो है, यानी कि कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल होगा, देखो इस रिलेशन को यूज करता है बिल्कुल, तो इसमें से बी फाइव कॉमन आ रहा है साहब, देखा एक्चुअली मैंने क्या हुआ, मैंने जो फाइंड करना था ना उसमें देखा कि फाइव कॉमन आ जाएगा, तो बी प्लस सी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ माइनस ए, तो इसमें से कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन ले लो फाइव, तो अंदर क्या बचेगा बी प्लस सी, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस ए, तो माइनस का ए वेक्टर हो गया, इसका मेन रूट लेना है अपने को, तो ये आ गया माइनस फाइव ए और थ्री टू ए, तो ये हो गया आपका थ्री मोड ए, माइनस का थ्री मोड ए, तो इसका मेन रूट कितना आ जाएगा थ्री आ गया, थ्री आ गया, क्योंकि ये कैसा है अपना मेन यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये आईआईटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन आईआईटी का है ना, चलो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।